वीडियो है, दिस इज ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एमकॉम इग्नू से जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनके लिए बहुत फायदा है। ओके, पहला यूनिट हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में, और सबसे पहले देख लेते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट? यहाँ पे मैंने एक सिंपल डेफिनेशन लिखा हुआ है, फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। जैसे कि हमारे ब्लड होता है, ब्लड के बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते, इन द सेम वे फाइनेंस बिजनेस का लाइफ ब्लड है। बिना फाइनेंस के, बिना पैसों के बिजनेस आप रन नहीं कर सकते हो, यू नीड फाइनेंस, राइट? नाउ इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फंड्स यूज्ड इन बिजनेस। ठीक है, क्योंकि ये जो चार पांच फंक्शंस है ये हम लोग मैनेजमेंट में भी करते हैं, और वही सेम चीज फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी एप्लीकेबल है। तो इसके डेफिनेशन में आप ये मेन मैनेजमेंट के जो फंक्शंस है उसको यहाँ पे आप लिख सकते हो। एंड देख लेते हैं कि मेन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों करते हैं, क्यों पढ़ते हैं हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो बेसिकली ये तीन पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, हाउ मच फंड्स आर रिक्वायर्ड एंड वेयर टू इन्वेस्ट द फाइनेंस। तो ये मेजर तीन क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं फाइनेंशियल मैनेजर को। ओके, अब देख लेते हैं इसके मेन नेचर एंड फंक्शंस क्या होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। बेसिकली तीन मेजर फंक्शंस होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। ये तीन डिसीजंस लेने होते हैं एक फाइनेंशियल मैनेजर को, राइट? नाउ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में एज द नेम इंप्लाइज कि कहां पे इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे पहला पॉइंट में है बाइंग और सेलिंग ऑफ एसेट्स, राइट? क्योंकि हम लोग जानते हैं फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स, दो टाइप के एसेट्स होते हैं। तो कितना एसेट्स बाय करना है, कितना सेल करना है, ये सारी चीजों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसाइड करता है। वर्किंग कैपिटल, डे टू डे एक्सपेंसेस, बिजनेस को चलाने के लिए डे टू डे एक्सपेंसेस तो होते ही हैं ना, उनको मीट करने के लिए, टू मीट दोस एक्सपेंसेस वी नीड फाइनेंस फंड्स। ओके, सो द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। द थर्ड वन इज कैपिटल बजेटिंग, हाउ मच कैपिटल इज टू बी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस और इन द न्यू वेंचर्स, ठीक है, यू नो एक्विजिशंस या मर्जर्स, तो उस वहां पे या जॉइंट वेंचर्स, तो वहां पे आपको यू नो बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए यू नीड फाइनेंस फंड्स। तो ऑल दिस डिसीजंस आर रिलेटेड विद इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग इज द नेम इंप्लाइज फाइनेंस, ओके, एवरीथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस, लाइक वेयर टू गेट द फाइनेंस, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स। यू नो जब हम लोग लोन लेते हैं या व्हेन वी रेज फंड्स, उसका एक एक्सपेंसेस होता है, ओके, तो वो एक्सपेंसेस को भी डिटरमाइन करना है। इसके ऊपर सेपरेट चैप्टर है जो बाद में हम लोग पढ़ेंगे। एंड डेट इक्विटी बैलेंस, यू नो डेट इक्विटी, डेट मींस यू नो दो टाइप के मतलब कैपिटल हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, दैट इज ओनर्स कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। तो बोरोड कैपिटल जो है दैट इज डेट, एंड इक्विटी हो गया ओनर्स कैपिटल। तो इनके दोनों के बीच में यू नो यू नीड ए गुड बैलेंस, राइट? So that is also a major function of financing decision. Then the rate of interest. Okay, when you are raising finance, that means you have to pay interest. So how much interest you have to pay? So that has to be, you know, considered. Then tax. How much tax you have to pay? Then what are the prevailing taxation policies, the taxation rates? So all these factors are considered in financing decisions. You must learn all these points, kindly note it down. Then comes dividend decision. Dividend, as you know, right, dividend is the earning of the shareholders, and when a company earns sufficient profit, to kya karti hai, that sufficient profit mein one part of the profit is included in retained earnings, right, and the other part is distributed as dividend among the shareholders, right? So this is again one more important decision to be taken by the financial manager. So like how much dividend should be paid, jo profit hui hai usme se kitna dividend payment karna chahiye, and should we pay dividend in cash or by way of bonus share. Friends, let's move on to the next topic, and that is the important activities of a financial manager. Ye is saal jo August mein exam hua tha, us exam mein ye question aaya hua hai, एंड यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं बोर्ड्स पे,
एक फाइनेंशियल मैनेजर को क्या क्या इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज करनी है। अभी अभी जैसे कि मैंने बताया इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजंस, डिविडेंड डिसीजंस, ये तो उसको मतलब ये करना ही हैज टू परफॉर्म ऑल दिस थ्री बेसिक फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देन एस्टिमेटिंग फंड्स रिक्वायरमेंट, हाउ मच फंड्स इज रिक्वायर्ड बाय द कंपनी। देन सप्लाई ऑफ फंड्स टू डिफरेंट डिपार्टमेंट सेक्शंस। ओके, वंस यू रेज द फंड, डिस्ट्रीब्यूट द फंड अमंग ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। देन रिलेशन विद द बैंक्स, बिकॉज banks are the institutions which will provide funds to the business. So as a financial manager, you must have a good relationship with the financial institutions or banks. Then keep an eye on stock market, like how your stock is performing, right? Whether the market, you know, the shares, the prices of the shares of your company are increasing or decreasing. So how that is happening, like, you know, analyzing the stock market is one of the most important function of a financial manager. Let's see one more topic from the first chapter, that is challenges for financial manager. What are the challenges, problems associated with financial manager? You know, financial manager ka actually basically, you know, uski duty itni easy nahi hoti, jaisa ki hum log samajhte hain. Kafi tough hoti hai and kafi dimag lagana padta hai usko. So dekhte hain ki kahan kahan pe usko zyada dimag lagana padta hai. सबसे पहले तो शेयर होल्डर्स वैल्यू क्रिएशन। नाउ शेयर होल्डर को क्या चाहिए? दे नीड गुड डिविडेंड्स, दे नीड अ ग्रोथ इन देयर इन्वेस्टमेंट। जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर उसको रिटर्न चाहिए। तो ये चीज मतलब वैल्यू क्रिएशन, उनका जो इन्वेस्टमेंट है उस पर उसको वैल्यू देना है। एज ए फाइनेंशियल मैनेजर यू हैव टू गिव सफिशियंट रिटर्न्स टू द शेयर होल्डर्स सो दैट दे विल बी हैप्पी एंड विल बी, यू नो, investing more funds in the business. The next is understanding the investors, their psychology. What is their trend? How they behave in a particular situation? So their investors, their psychology. तो मतलब उसको investors की psychology को भी study करना है. And the next is fluctuations in market. Market में basically यहाँ पे share market, stock market को लिया गया है. यहाँ पे तो यू नो फ्लक्चुएशंस आए दिन, एवरी मिनट एवरी सेकंड होते रहते हैं। तो ही हैज टू कीप एन आई ऑन द फ्लक्चुएशंस दैट आर हैपनिंग इन द स्टॉक मार्केट एंड अकॉर्डिंगली ही हैज टू डिसाइड अपॉन द फंड्स टू बी यूज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बिजनेस। ओके फ्रेंड्स, ये टॉपिक है लास्ट इस चैप्टर का एंड यहाँ पे हमें टॉपिक है गोल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के गोल्स क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या है? वेरी सिंपल। सबसे पहला टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, जैसा कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन का होता ही है, राइट। टू अर्न मैक्सिमम रिटर्न ऑन कैपिटल, यू नो, मैक्सिमम रिटर्न ऑफ कैपिटल मींस जो शेयर होल्डर्स का फंड्स जो आपने यूज किया है उनको मैक्सिमम रिटर्न देना है। देन ग्रोथ इन द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है, आपके जो शेयर्स जो कंपनी इश्यू करती है, कंपनी हमेशा यही चाहेगी कि उसकी शेयर्स की जो प्राइस है वो दिन पर दिन बढ़े। ओके, उनका मार्केट वैल्यू बढ़े, सो दैट इज वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्ट। देन ग्रोथ इन द डिविडेंड, राइट, यू नो, ये तो शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू से है, बिकॉज शेयर होल्डर्स को डिविडेंड चाहिए। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा कंपनी को ट्राई करना है कि उसको डिविडेंड ज्यादा दे, सो दैट दे विल बी हैप्पी एंड विल बी विलिंग टू इन्वेस्ट मोर फंड्स। एंड मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यू नो, कैपिटल जब रेज करते हैं हम लोग, फंड जब रेज करते हैं फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, कुछ कॉस्ट होता है उसका, तो वो कॉस्ट को मिनिमम रखना है, राइट। अदरवाइज यू नो वो कैपिटल, जो रेजिंग ऑफ कैपिटल विल बी कॉस्टली, जो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करने वाला है, राइट। देन इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फंड्स, जो फंड्स आपने डिफरेंट सोर्सेस से जो रेज किए हैं, आपको एज ए फाइनेंशियल मैनेजर यू मस्ट हैव ए गोल कि इंटरेस्ट आपको कम से कम देना पड़े, ठीक है। यू हैव टू गेट फाइनेंस और फंड्स फ्रॉम दोज सोर्सेस फॉर विच यू हैव टू पे वेरी लेस, मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट। Okay friends, so that's all in this video. And अगर ये video अगर आपको पसंद आया हो तो please give a like and subscribe my channel, those who have not subscribed yet. And kindly also share this video to as many friends as you can. Okay, so see you in the next video with the next topic of MCO 07. Thank you very much. Happy learning.